चाय, जिसके बिना इन दिनों अधिकांशतर लोगों की सुबह नहीं होती है। जब भी थकान होता है तो एक कप चाय की मांग जरूर होती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाएंगे जो चाय की खेती करते हैं। ये बागान जो आप देख रहे होंगे, आप ये मत महसूस करिएगा कि आप दार्जिलिंग में हैं, नहीं, आप बिहार में हैं और बिहार के किशनगंज ज़िले के ठाकुरगंज ब्लॉक में हैं और यहाँ पे बड़े पैमाने पे चाय की खेती होती है। पश्चिम बंगाल से सटा हुआ इलाका होने के चलते, दार्जिलिंग ज़िले से सटा हुआ इलाका, सीमा जो होता है बिहार का अंतिम सीमा वो है, और इसके चलते यहाँ की आबोहवा चाय के लिए अनुकूल है। लेकिन इसी कहानी में एक शख्स जो हमारे बीच में हैं और दिख रहे हैं, नाम है राधे कृष्ण जी, जो कि इसी ठाकुरगंज ब्लॉक के ही रहने वाले हैं और करीब 25 एकड़ से अधिक एरिया में चाय की खेती करते हैं। इनकी थोड़ी सी पहचान और थोड़ा सा मैं परिचय बता दूं तो ये बैंक में मैनेजर थे, लेकिन समय से पहले इन्होंने रिटायरमेंट लिया और आज बागान की खेती कर रहे हैं। और जानेंगे इनसे कि इनकी जर्नी, और साथ ही साथ इनसे ही मत जानेंगे कि इस चाय की खेती में कैसे ठाकुरगंज, किशनगंज के ठाकुरगंज के किसानों के ज़िंदगी में बदलाव हुए, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे और साथ ही साथ इनके हम बागान को भी दिखाएंगे। तो सर, सबसे पहले आपका किसान तक में स्वागत है। और जर्नी हम तो आपकी ही, मैंने थोड़ा सा परिचय बता दिया, लेकिन मैं जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि पूरा परिचय थोड़ा अपना बताइए कि कैसे ये दौर शुरू हुआ। मेरा नाम राधे कृष्ण हुआ, जैसा कि आपने बताया। मेरे पिताजी श्री भागवत प्रसाद सिंह, जो कृषि से जुड़े हुए रहे हैं और वो असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर जूट डिपार्टमेंट से 97 में रिटायरमेंट लिया उन्होंने। हम लोग बचपन से ही खेती से जुड़े रहे, हालांकि मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1987 में ज्वाइन किया था, और चूंकि घर में खेती होने के कारण लगातार खेत के संपर्क में रहा, विभिन्न तरह के खेती के संपर्क में रहा। हम लोग 96 से पहले केले की व्यापक खेती किया करते थे। किस पूरे पूरे ठाकुरगंज में? हम पहले चाय की नहीं होती, चाय की खेती ठाकुरगंज में नहीं हुआ करती थी। मैंने 90s के दौर में यहाँ पूरे ठाकुरगंज में केला की खेती बहुत व्यापक रूप से हुआ करती थी, और मेरे यहाँ भी 68 एकड़ का केला हम लोगों के परिवार में हुआ करता था। 11 मई 1996 को एक बहुत ही व्यापक क्षति हुआ, एक साइक्लोन आया पूरे बिहार में और उसमें सारे केले गिर गए। तत्पश्चात हम लोगों ने इसको कन्वर्ट किया, अपना ही हम लोगों ने नर्सरी लगाया, चूँकि पश्चिम बंगाल में चाय की खेती हुआ करती थी। फिर वहाँ से हम लोगों ने मजदूरों को लाया और यहीं अपने खेत में ही नर्सरी करवाया 96 में, और हम लोग 97 में 30 एकड़ में अपना चाय 97 में हम लोगों ने प्लांटेशन किया। लगभग 30 एकड़ में हम लोगों ने चाय लगा दिया। जॉब करते थे उस समय? हाँ, उस समय मैं जॉब, मैंने 87 में स्टेट बैंक में जॉब स्टार्ट कर रहा हूँ, तो 87 में ही मैं जॉब में था और ठाकुरगंज ब्रांच में ही पोस्टेड था, और चूंकि घर भी यहाँ है तो खेती में लगातार रहा। हमारे मैं तीन भाई हूँ, मेरे बड़े भाई भी खेती में संलग्न रहा करते थे, और पिताजी को खेती से विशेष रुचि थी चूँकि उनका डिपार्टमेंट ही यही था। तो हम लोग 97 में जो चाय लगाया तो एक व्यापक रूप से चाय का प्रचार प्रसार हुआ और किसानों की समृद्धि भी आई। सर, उसी समय ये हुआ था क्या, न कब खेती हुआ किशनगंज में? लगभग वही, मैंने लगभग 94-95 में खेती स्टार्ट हो गई थी। अचानक ही हुआ कि कुछ चेंजिंग कैसे? नहीं, कुछ चेंजेस मैंने, चूंकि साइक्लोन का दौर चल रहा था और लोग जब केला में थे तो केले में नुकसान हुआ करता था, और केले में नुकसान हुआ करता था तो लोग, कुछ बड़े किसान जो हैं, ये कुछ बड़े किसान धीरे धीरे शिफ्ट होने लगे चाय पर। तो एक एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट टाइप। कितने एकड़ में शुरुआत में हुआ होगा ठाकुरगंज? शुरुआत में लोग 5-7-10 एकड़ से शुरू किया, कुछ जैसे 10 एकड़ 20 एकड़, मैंने कुछ बड़े किसान इस पर कन्वर्ट होना शुरू हुए, और अचानक से 96 में यह जो साइक्लोन आया तो लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि यहाँ के क्लाइमेट में क्या अब चाय केला सफल हो पाएगा। तो फिर हम लोगों ने भी केले को हटाकर चाय पर कन्वर्ट किया, और एक बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई। चाय का कीमत भी अच्छा मिला उस समय, कॉस्ट भी, मैंने इनपुट कॉस्ट भी कम था चाय में, तो खर्च कम था और आमदनी उस हिसाब से अच्छा हुआ करता था।
तो फिर एक और समस्या आया कि जैसे बंगाल में या और जगहों पर शेड ट्री का प्रावधान है कि सनबर्न नहीं हो, पत्तियां नहीं जलें धूप की रोशनी से, तो शेड ट्री का प्रावधान था। तो शेड ट्री में जैसे बंगाल में अलग अलग तरह का सीरीस वगैरह का पौधा, घोड़ा नीम का पौधा लगाया जाता है, लेकिन उससे कुछ दूसरा आउटपुट नहीं मिलता था। तब हम लोगों ने सोचा कि हम लोग कोई ऐसा पौधा लगाएं जिससे हमको दोहरा फायदा हो। तब हमारे पिताजी ने बहुत रिसर्च किया कि आंवला लगाया जाए या तेजपात लगाया जाए। फिर हम लोगों ने आंवला पे रिसर्च किया तो ये लगा कि आंवला जब टूटेगा और नीचे गिरेगा चाय के बूस में तो उसको निकालना मुश्किल होगा। तब फिर हम लोग इसको तेजपात पे, तेजपत्ता पे कन्वर्ट किए हम लोग और व्यापक रूप से दिखाइए सर बगान सर का और तेजपत्ता का जो आप ये दृश्य देख रहे हैं और इस पूरे इलाके में हमारे पिताजी का ही देन है कि आज इस इलाके में लाखों पौधे तेजपत्ता के लगे हुए हैं, खासकर चाय में और चाय के अलावे भी लगा। पिताजी का ही आपका एक्सपेरिमेंट रहा। तो ये जो तेजपत्ता में क्या है कि हम लोग चाय के अलावे तेजपत्ता से एक तेजपत्ता में भी हम लोग एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ले पा रहे थे। ये हम अभी भी जैसे एक एक पौधा तेजपत्ता का हम लोग 1500 से 2000 रुपये में एक एक पौधा बेच पा रहे हैं। अच्छा सर, ये जानना चाह रहा था कि जैसे एक दौर था ना कि जब शुरुआत हुआ उससे पहले किसानों की क्या स्थिति थी चाय की खेती? नो डाउट यहाँ क्या है कि किशनगंज बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका रहा है आज तक, आप जान रहे हैं। लेकिन केले की खेती में भी कुछ समृद्धि आई, उसके बाद चाय में व्यापक समृद्धि आई। छोटे छोटे किसानों ने भी अपने एक एकड़ दो एकड़ में चाय लगाया, बड़े किसान सैकड़ों एकड़ में कर रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे किसान भी दो एकड़ तीन एकड़ चार एकड़ में करके बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। आपके 25-26-30 एकड़ में कितनी कमाई, कितना खर्च क्या लग जाता है? नो डाउट मैंने एक लमसम हमारा तेजपत्ता और चाय लेकर कम से कम 50 लाख रुपये का नेट सेविंग्स तो साल का होता ही है। एक साल का? जी, एक साल का 50 लाख रुपये सेविंग हो जाता है। तेजपत्ता का मेरा 2500 गाछ है तेजपत्ता का। हाँ। तो ऑलमोस्ट उससे ही हम 15 से 20 से 30 लाख रुपये तक हम तेजपत्ते से कमा लेते हैं जी। उसके अलावा 30 एकड़ में मिनिमम 30 लाख रुपये चाय से भी निकल जाता है। एक एकड़ पे 1 लाख रुपये कमा? हाँ हाँ, निश्चित रूप से, उससे कम का कोई है नहीं। अब रहा कि कुछ इसमें भी अब जो है कि स्ट्रेन आ रहे हैं, तनाव आ रहा है। अभी क्या स्थितियाँ क्या हो रही है तनाव खेती की? क्या अभी खेती में क्या है कि एक जो पहले के बनिस्पत आज के दिन इसका दाम में एक जो है कि सरकार का कोई कंट्रोल तो नहीं है। हरी पत्तियां आज के दिन 15 से 20 रुपये किलो बिक रही है और यही हाल 10 साल पहले भी था। उस दिन इनपुट कॉस्ट हमारा कम था। इनपुट कॉस्ट कितना था? इनपुट कॉस्ट माना जाए जैसे उस समय लेबर का कॉस्टिंग कम था, मजदूरी कम थी, हमारा 1.5 रुपये किलो में टूट जा रहा था। आज 3.5-4 रुपये केजी हमारी खाली तोड़ाई पड़ जा रही है। आजकल इतने इसमें बीमारियां लग रहे हैं, लूपर्स आ रहे हैं जो किसी भी दवा से मरते नहीं हैं। जो निर्धारित मापदंड की दवाइयां हैं जो हमें डालना चाहिए वो दवाइयां काम नहीं करती हैं। तो ये हैं किसान और इन्होंने पूरी कहानी बताई, अपनी जर्नी तो बताई ही, साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि जिस तरह से तापमान में चेंजिंग हो रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रहे हैं, इस पर एक खतरा बना हुआ है। वहीं उत्पादन और हर चीज़ों पे एक अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है और इनकी आपने सफल कहानी भी समझी और साथ जाना कि कैसे खेती हो रही है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो किसान तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है किसान तक। खाना है तो उगाना है।